दिवाली पर हम तरह तरह के नमकीन और मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन गुजिया के बिना तो दिवाली अधूरी ही लगती है। तो आज हम बनाएंगे गुजिया, वो भी सिंपल वाली नहीं, ढेर सारी परतों वाली गुजिया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें हम मोयन के लिए डाल देंगे घी, ये देशी घी है। तो ये 30 ग्राम मैंने लिया है और इसे अच्छे से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें स्टेप है। आटे के साथ में अच्छे से घी को मिक्स करना है और इस तरह का मुट्ठी का मोयन होना चाहिए, तभी हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा एक टाइट डो बांध लेंगे, क्योंकि जो मैदा है वो बाद में ढीला होता जाता है तो बाद में बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, इसलिए पहले से ही टाइट रखना है। इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था, पिंच जितना, इससे जो हमारी गुजिया है वो क्रिस्पी बनी रहती है। तो अब हम इसमें एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने काजू बादाम को कट कर लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में, उसको घी में थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। ये स्टफिंग को मैंने पहले, इसके पहले जो वीडियो डाला था चंद्रकला, उसमें भी यही वाली स्टफिंग मैंने यूज़ की थी। तो आप एक बार ये स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे आप गुजिया है, संजूरी है, करंची है, जो भी बोलते हैं वो बना सकते हैं, और चंद्रकला वगैरह तरह तरह के आप एक स्टफिंग को तैयार करके बना सकते हैं। तो ये मैंने 200 ग्राम मावा लिया है, ये घर का ही मावा मैंने बनाकर तैयार किया था, क्योंकि त्योहारों में मावा अच्छा नहीं मिलता है इसलिए मैं इसे घर पर ही तैयार कर लिया था। तो अब ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच सूजी भी डाली थी साथ में, और इसे सेक लेना है अच्छे से, क्योंकि जो सूजी डालते हैं तो उससे हमारे बहुत दिनों तक स्टफिंग ख़राब नहीं होती है। अब मावे को भी अच्छे से इसमें धीमी आँच पर सेक लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी अच्छे से सेक लेंगे, सारी सामग्री को अच्छे से सेकना है धीमी आँच पर, तो ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती है। तो बस ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अभी इसमें शक्कर नहीं डाली है, शक्कर हम बाद में डालेंगे। ये अच्छे से जो हमारी स्टफिंग है वो ठंडी हो जाएगी तब डालेंगे हम इसमें। तो ये मैंने बॉल में निकाल लिया है। तो अब हम एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो आप कॉर्नफ्लोर की जगह पर यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इसे साटा भी कहा जाता है, तो इससे लेयर्स बहुत अच्छी आती है। अच्छे से मिक्स कर इसको एक साइड पर रख देंगे। हमारी स्टफिंग इधर ठंडी भी हो गई है। इसमें हम डाल देंगे शुगर, तो ये पाउडर शुगर है, मिक्सर में मैंने पीस लिया था, इसको डालेंगे हम 200 ग्राम और इसके साथ में इलायची पाउडर डाला है अच्छे फ्लेवर के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी एक साइड पर रख देंगे। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो आटा बांध कर रखा था वो अच्छे से हो गया है, तो उसको एक बार मसल लेंगे और उसमें से 5 मैंने इस तरह से लोए निकाल लिए हैं। तो एक मीडियम साइज़ का लोया लेंगे इस तरह से, उसकी रोटी बना लेंगे। तो इस तरह के हमें 5 रोटी बनाकर तैयार करना है। तो मैंने इस तरह से 5 रोटियां बना ली है और अब हम इस एक रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर हमने जो सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया था वो लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, लेकिन इसको चारों तरफ अच्छे से फैलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, नहीं तो जो इसमें घी है वो बाहर आ जाएगा बाद में। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, लेकिन चारों तरफ अच्छे से ये लग जाना चाहिए। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे और इसको अच्छे से इसमें अरेंज कर लेंगे, इसके बराबर इस तरह से इसको पैक कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर भी ये लगा देंगे और तीसरी रोटी इसके ऊपर हम रख देंगे। इसी तरह से हमें 5 रोटियां बनाकर तैयार कर लेना है। इसके ऊपर भी हम ये सॉल्यूशन लगाएंगे और ये चौथी रोटी रख देंगे और इसके ऊपर भी सॉल्यूशन लगाएंगे और ये 5वीं रोटी रख देंगे इसके ऊपर। तो ये 5 रोटी हमने इसमें 5 लेयर बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से, और लास्ट में भी हमें इस पर ये सॉल्यूशन लगाना है, अच्छे से फैलाकर चारों तरफ लगाना है थोड़ा थोड़ा इस तरह से। बस अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, अच्छा टाइट फोल्ड करना है इसे, हल्के हाथों से इस तरह से रोल कर लेंगे और बस इसको हाथों से इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा फैला लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से ये चिपक जाएगी लेयर्स इसमें। ये सारा काम हल्के हाथों से ही करना है, बहुत ज़्यादा टाइट इसे नहीं करना है।
और अब हम इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और इसको एक मीडियम साइज के लोए बनाकर इसमें कट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतले पतले ना करें, थोड़े मोटे ही रखना है इसमें ये जो लोए हैं। तो इससे हमारी बहुत सारी ये गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से ये सारे लोए मैंने कट करके रख लिए हैं। अब हमको एक लोया लेना है और उसको इस तरह से रखना है खड़ा और हाथों से इस तरह से दबाना है। ये ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस को, नहीं तो जो लेयर्स है वो फूल जाएगी और अंदर का जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से दबाना इसमें ज़रूरी है। और अब हम इसमें जो हमने स्टफिंग बनकर तैयार करी थी वो लगा देंगे बीच में और इसको आसपास में जो हमने मैदा और पानी का एक घोल बनाकर तैयार किया है उसको लगा देंगे इसमें और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आपको छोटी बड़ी जितनी लोए आप कट करेंगे उसके हिसाब से ये गुजिया बनकर तैयार होगी। अच्छे से इसे चिपका लेना है और अब इस तरह का फोल्ड करना है हमें और फिर पिंच करना है, फोल्ड करना है और पिंच करना है। तो एक बहुत ही अच्छे से इसकी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो मेथड है ये मेरी दादी बनाती थी तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको फोल्ड करने में इस तरह से। मेरी मम्मी जो है वो एक चम्मच आती थी उसके पीछे सर्कल आता था डिज़ाइन वाला, उससे कट करती थी और दादी जो है वो इस तरह से डिज़ाइन बनाती थी। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी तो मैंने उन्हीं से ये सीखा था। तो बस हमारी इस तरह से सारी गुजिया बनकर तैयार कर लिए हमने। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए ऑयल ले लिया है मैंने, इसको गर्म कर लिया है और इसको हल्का गर्म रखना है। और जो मैदे की कोई भी हम चीज़ें फ्राई करते हैं तो उसका जो तेल का टेम्परेचर कम ही रखना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। और इस तरह से चम्मच से इसके ऊपर हम तेल डालते जाएंगे तो इसकी जो लेयर्स है वो अच्छे से खुल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी एकदम क्रिस्पी लेयर वाली हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार होगी। ये एकदम अलग लगती है, जो सिंपल वाली गुजिया होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट लगती है। बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है। तो इस तरह से हम गुजिया डिफरेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऑयल की जगह पर आप इसमें घी से भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है, इसकी जो ऑर्डरलेस होता है तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है और अच्छी लगती है। मीठी चीज़ें इसी में मैं फ्राई करती हूँ हमेशा। आप मूंगफली का तेल या सरसों का तेल यूज़ नहीं कीजिएगा, या तो फिर घी यूज़ कीजिएगा या फिर सनफ्लावर ऑयल भी आप ले सकते हैं। तो बस ये गुजिया हमारी इस तरह से फ्राई होकर तैयार है, इसकी लेयर्स बहुत ही अच्छे से खुल गई है। तो ये देखिए सारी हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया एकदम लेयर वाली। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है हमारी गुजिया, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इस दिवाली पर आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Thank you.